multifarious subjects, who understands the politics of the day and deeply committed to the cause of people in the country. And therefore, I come here for him. I was also a congressman for several years, so the blood of a congressman runs through me even now. So, now, कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ. सबसे पहले तो मैंने आज अभी टीवी में बैठा था. वैसे अक्सर टीवी देखता नहीं हूँ, पर होटल में चले गए तो देखना पड़ता है. तो मेन स्ट्रीम टीवी में देख रहा था, तो वहाँ मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने जा रहे थे. मतलब ध्यान करने जा रहे थे. अभी जिस शख्स को विवेक का मतलब, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा. मतलब एक फोटो आपको याद है तो केदारनाथ भी ऐसे ही गए थे, केदारनाथ भी ऐसे ही ध्यान कर रहे थे. तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है. अगर वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी उनकी स्पीचेस की, तो अच्छी बात है. ये विवेक की बात है कि वो कहते हैं कि भाई वो छीने जाएंगे. कांग्रेस पार्टी, ये विवेक की बात है. ये विवेक की बात है कि आप कहने लगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे भी पैसे लेके छीन के किसी और को दे देंगे. ये विवेक की बात है. ये विवेक की बात है. वो कहते हैं कि भाई आप अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलामी करते हो, जिहाद वोट की पॉलिटिक्स करते हो, गुलामी करते हो, तो मुझे लेके भी गुलामी करो. ये विवेक, इसको विवेक कहते हैं. तो प्रधानमंत्री जी पहले ये तो बताइए कि आप काहे को जा रहे हो. आपने उस दिन, मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस दिन मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की उस दिन मुझे प्रधानमंत्री रहना चाहिए. मतलब इतना बड़ा सच बोल दिया उन्होंने. मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि इतना बड़ा सच बोल देंगे. लेकिन जो भी इसके इसका मतलब जो भी हमने देखा वो गलत देखा. मतलब कि गलती हमारी है कि हमने ऐसा देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं. मुझे याद है जब ये सत्ता में पहली बार आए और आने से पहले बड़े भाषण देते थे, जबरदस्त भाषण, और आप लोग आकर्षित भी होते थे. आज भी आकर्षित होते हो, आपकी वजह से नहीं. आप रिपोर्टर तो ज्यादा आकर्षित नहीं होता, आपके जो जो ओनर्स है ना वो ज्यादा आकर्षित होते हैं. तो क्या है, उन्होंने कहा जीतने से पहले, कहते हैं कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे आप 60 नहीं दे. याद है आपको, जस्ट गिव मी 60 मंथ्स एंड आई विल गिव यू अ न्यू हिंदुस्तान. व्हाट हिंदुस्तान इज गिवन अस आफ्टर 120 मंथ्स. जब 60 महीने खत्म हो गए, बोले मुझे 60 महीने और चाहिए. अब कहते हैं कि मुझे 247 तक मुझे राज चाहिए, तब मैं विकसित भारत बनाकर आपको दूंगा. खैर मैं तो रहूंगा नहीं. हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र हो, वो विकसित भारत एक्चुअली हम देख पाए, वो देख पाए, मैं तो नहीं देख पाऊंगा. तो ये क्या, ये किस किस्म की राजनीति है इस देश में? आपको मालूम है, शायद आपको मालूम नहीं, इस देश में 1% ऑफ द पीपल ओन 50% ऑफ द एसेट्स ऑफ दिस कंट्री and the 60% and the bottom 50% of the people of this country own 4.7% of the assets of this country. Ye viksit bharat hai. If you talk about national income, 1% of the people have 22% of the national income, only 1%, and 50% of the people have only 13% of the national income. And what does 50% of the people mean in this country? If it's 1.4 billion people, that means 700 billion people.
यानी कि 70 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग और 1% एंड 22% ऑफ द नेशनल इनकम, ये भारत है। महंगाई का कोई स्तर ही नहीं है। वही तो अच्छी बात है कि हम इस शहर में आया हूं जहां एजुकेशन इज नंबर वन, लिटरेसी इज नंबर वन इन द कंट्री। मैं उस शहर में बैठा हूं, मैं यही पढ़ा हूं, यही पढ़ा था। इस शहर में आया हूं जहां हेल्थ इज नंबर वन इन द कंट्री, मोस्ट एजुकेटेड पीपल इन दिस कंट्री लिव हियर, एंड आई एम श्योर व्हेन दे गो टू वोट ऑन द फर्स्ट दे शुड रिमेंबर दैट दे आर educated people and they should apply their minds and not be persuaded by the meditation of our dear Prime Minister in the Vivekananda Rock Memorial. आप अगर हिंदुस्तान की पिछले 10 साल की हिस्ट्री अगर आप लिखने लगोगे तो आपको मालूम नहीं होगा कि हम लिखें क्या। इन्होंने सारे संस्थाएं तो कैप्चर कर ली, जुडिशरी के अलावा मीडिया कैप्चर्ड, मेन स्ट्रीम मीडिया कैप्चर्ड, इलेक्शन कमीशन हैज बिकम अ रिसेप्शन कमीशन। मुझे जो आप कहोगे हम करेंगे, सो इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो कैप्चर्ड। शेड्यूल तय करना हो इलेक्शन का, दे डिसाइड इन बीजेपी के जो भी चाहते हैं वो वैसे ही शेड्यूल होता है। प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात करें जो विच इज द वायलेशन ऑफ अ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, एमसीसी का उल्लंघन है, तो नोटिस ना तो उनको जाता है ना पार्टी को जाता है। कहते हैं कि पार्टी को नोटिस दिया, वो नोटिस भी नहीं है। उसमें ये लिखा है, मेरे पास वो चिट्ठी है कि आप प्लीज अपने लोगों को, प्रेसिडेंट को बोला है नड्डा साहब को, आप अपने लोगों को एडवाइस कीजिए स्टार कैंपेनर को कि वो मतलब के ऐसी भाषा बोले जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं है। तो वो तो वैसे ही है, तो नोटिस भी नहीं देती है। यही इलेक्शन कमीशन, हर मंत्रालय में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, मंत्रियों को कोई हक नहीं है। हम दो मेरे दो, यही है, किसी और को कोई हक नहीं। वाइस चांसलर्स अपने लोग लगा रखे हैं, जो गवर्नर लगा रखे हैं वो जो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देते, बिलों को रोक लेते हैं, फटकार मिलती है फिर सुप्रीम कोर्ट से। तो गवर्नर भी अपने कैप्चर कर रखे हैं और कानून का दुरुपयोग करते हैं। जो पीएमएलए है, आपको भी मालूम है कि पीएमएलए का मतलब क्या है। असली पीएमएलए का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री की लाल आंख, दैट इज पीएमएलए, नॉट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब जो आंख वो चीन को नहीं दिखा पाए वो अपने अपने नागरिकों को दिखाते हैं कि हमारी बात नहीं, हमारे दल में नहीं आओगे तो तुम जेल जाओगे। आपने कभी इतिहास में सुना कि जिस तरह से मतलब कि चुनी हुई सरकारों को आप तोड़ दो? अगर मैं उदाहरण लेने लगूं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, कौन कौन सी सरकारें इन्होंने नहीं कराई जो चुनी हुई। आप विश्व का आप लोकतांत्रिक इतिहास पढ़िए, in no country in the world have elected governments been thrown out in this fashion. You offer them, first you say ke 70,000 crore ka ghapla hua hai, usko hum turant hi jail bhejne wale hain, fir usko aap chief deputy chief minister bana dete hain, wo aapke dal mein aa jata hai, और फिर आप जो 10th शेड्यूल है उसको लागू नहीं होने देते क्योंकि स्पीकर भी कब्जे पे हैं, पेपर गेम के अपने हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, कोई बोले तो माइक बंद कर देते हैं, 146 लोग सस्पेंड कर देते हैं। फिनेंस बिल में
जो केवल मनी बिल पास होना होता है उसमें और बिल लगा के फाइनेंस बिल के द्वारा पास कर देते हैं, और पीएमएलए में अमेंडमेंट भी ऐसे पास हुई ताकि राज्यसभा में वोटिंग ना हो पाए। तो पार्लियामेंट में कब्जा, एग्जीक्यूटिव का कब्जा है ही है, गवर्नर का कब्जा, इलेक्शन कमीशन का कब्जा, वाइस चांसलर्स का कब्जा, तो लोकतंत्र में रहा क्या है? क्या ऐसा भारत चाहिए? ये विकसित भारत की बात हो रही है। आज मैं एक नागरिक होते हुए ये बात आपको कह रहा हूं, भूल जाओ पॉलिटिक्स, भूल जाओ आप पॉलिटिक्स, भूल जाओ आप, बताओ कि आपकी जिंदगी में क्या बेहतरी आई है। जहां तक एजुकेशन का सवाल है वहां पैसा कम देते हैं, बाकी देशों में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, the expenditure on education is something between 9-12% of GDP. It is less than 4% here. It is 3.2-odd%. स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य की, और एक आम आदमी को और एक परिवार को क्या चाहिए? They want health care and they want education. अच्छा, और दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रही है, वो तो अपनाएगी कि उनके पास तो संख्या लोगों के है नहीं, तो नेचुरली दे डोंट हैव पीपल टू डू देयर जॉब, सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जो जॉब आदमी नहीं कर सकता उनके पास है ही नहीं तो वो मशीन करेगी। हमारे पास तो आदमी ही आदमी है, महिलाएं हैं, हमारी वर्कफोर्स इतनी है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दिन में आपको क्या हो रहा है कि आप चले जाओ बेंगलोर में, चले जाओ हैदराबाद में, चले जाओ, वहां लोग हायर नहीं कर रहे कंपनीज, क्योंकि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है, क्योंकि उनको कंपीट करना है विश्व में, तो वहां पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स, इनफैक्ट पीपल आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड, इवन इन अ सेक्टर विच इज अ वेरी रोबस्ट सेक्टर विच इज 59% ऑफ द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री, द सर्विस सेक्टर इज 59% ऑफ द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री, and the service sector is the one that absorbs all the educated people in this country, right? And the agricultural sector only contributes about 16-18% and the balance is by manufacturing. Aur manufacturer ye kya karte hain, main se puchna chahte hu, aapka jo mobile phone hai yahan manufacture to nahi hota, yahan wo hota hai, iske parts इकट्ठे किए जाते हैं फिर एक्सपोर्ट, फिर बात करने हमने देखो इतने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर लिए, पर मैन्युफैक्चर तो होते ही ना है, यहां तो मैन्युफैक्चर चाइनीज कंपनी या बाकी लोग कंपनी करते हैं। आपको मालूम है कि आपके टेलीकॉम सेक्टर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होती हो, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होता हो, टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूं, विच इज डूइंग वेरी वेल बिकॉज इट्स अ सर्विस। Samsung, na? It is Samsung, not our manufacturing. But Tata are making manufacturing. No. Your mistake. Tata iPhone components. They don't manufacture the phone, which I am saying to you. One second, hold on. Can you? Are you a BJP man? No, I'm not. Wait till I finish my conference. Ask me any question. You are not supposed to ask me any question while I am saying all this. Okay. So let's be clear upon it. What is this gate manufacturing story? I want to know. Which are the big things that they are manufacturing in India? Your power equipment is coming from China. All your Vivos and others are all Chinese players. What are you talking about? Your entire power sector, all the machines, everything is coming from China. So let's be clear. That's why there is unemployment between the ages of 25 to 30. The unemployment rate is 46%. And between 20 and 30, it is 29%. And if there were manufacturing taking place, wouldn't there be jobs in this country? What are we talking about? What we manufacture are textiles, and we export that. Clothing, we export that. These are the kinds of things we manufacture.
We manufacture some low-end equipment also. True. But our exports have not gone up. In fact, pursuant to COVID, they are going down. Your maximum number of people live in the rural areas. They contribute 16% of the GDP. मतलब अगर 60% लोग इस देश की संख्या के देहातों में रहते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन तो केवल 16-17% है. इसका मतलब उत्पादन नहीं है. वही लोग अनएम्प्लॉयमेंट है बिकॉज एग्रीकल्चर में खेतों में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है. और पंजाब की भी यही प्रॉब्लम रही है कि कोई अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ही नहीं इकोनॉमी की. तो आपने पिछले 10 साल में क्या किया, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, सरकार से. और अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज ये जो भाषण दिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 10 साल में क्या किया, कोई ऐसा भाषण दिया जो मीडिया चला रही हो. ये जो भाषण हो रहे हैं मुजरे के, ये 10 साल की उपलब्धियों के हैं. तो प्रधानमंत्री होता, उसने 10 साल में खास काम किए होते तो वो बताते कि भाई पिछले 10 साल में ये किया है, मैंने ये बदलाव लाया हूं. यूएपीए में बच्चों को बंद कर दो, यूएपीए में जो लोग आपके खिलाफ लिखते हैं उनको बंद कर दो, बच्चों के खिलाफ सेडिशन केस लगा दो, कोई आपके खिलाफ बोले तो लिंचिंग कर दो. ये विकसित भारत है. तो एक नागरिक की हैसियत से मैं आज आपके सामने आया और सोच समझ के इस जनता को यह तय करना चाहिए कि किस किस्म का हिंदुस्तान उनको चाहिए. एक बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है. अगर पिछले 7 साल में उन्होंने ये काम किए हैं तो आप सोच सकते हो कि आगे क्या हो सकता. नहीं, जुडिशरी की स्थिति जैसा है वैसी है. वो ये एक संस्था है जो आज तक काबू नहीं हुई. अच्छा पूछिए आप. थैंक यू वेरी मच. अच्छी बात है. अच्छी बात है. बिल्कुल भी नहीं है. जहां हम साथ हैं साथ है, जहां नहीं है नहीं है. आम आदमी पार्टी कहती रही है कि कांग्रेस पार्टी सब भ्रष्टाचारी है. और कांग्रेस क्या कहती रही है, तो ठीक है. पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स होता है ना. अभी हमारे सामने चुनौती क्या है कि भाजपा को हराना है. ये चुनौती है. जो भारत जिसका मैंने दृश्य आपको आज बताया, उस भारत को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे. कौन सा दल हुआ पूछो इनसे कि महाराष्ट्र में किसने दल बदला, मोदी जी ने किसको गले लगाया जिसको कहते थे कि 70,000 का भ्रष्टाचार उसने किया है. जिन जिन के खिलाफ ये आरोप लगाते हैं उनको गले लगा लेते हैं. तो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, जरा मोदी जी से पूछना ना किसी दिन. उसकी तो हिम्मत नहीं रहती किसी को. वो तो कहते हैं कि साहब आप आम कैसे खाते हो, कैसे अल्फोंसो आप कैसे काट के खाते हो या चूस के खाते हो. ये तो आप सवाल पूछते हैं मीडिया के लोग. चलिए आपने नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा. मैं तो मीडिया जनरली की बात कर रहा हूं. फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड. आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दैट दिस इज अ पॉलिटिकल वेंडेटा. आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल एंड वो बड़ा साधारण सी बात है. आप आई होप आई कैन परसुएड यू. एक हमारा दोस्त हार्दिक पटेल था, आपको याद होगा. ठीक है ना. हार्दिक पटेल को 3 साल की सजा हुई थी. तो साथ साथ में उनको यह भी आदेश हुआ था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते. हाई कोर्ट से फैसला हुआ, मैं उनका वकील था. हम यहां आए सुप्रीम कोर्ट में, तो ज्यादा मैं ना कहते हुए कुछ
उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्टे ऑफ कन्विक्शन, वो चुनाव भी लड़े जीते भी, भाजपा में शामिल भी हो गए। तो एक शख्स जिसकी कन्विक्शन हुई हो वो सांसद भी बन सकता, एमएलए भी बन सकता, ठीक है ना। फिर आ जाओ, ये तो एक उदाहरण हो गया, ऐसे कई उदाहरण हैं। दूसरा, आपके रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई ना, चार्जशीटेड। वो प्रचार भी कर रहे हैं ना प्रचार अपने बेटे के लिए उत्तर प्रदेश में। तो एक कन्विक्टेड पर्सन सांसद हो सकता है, एक शख्स जिसके खिलाफ चार्जशीट है वो भी सांसद हो सकता है, प्रचार भी कर सकता है, और एक शख्स जिसके खिलाफ एलिगेशन है वो प्रचार नहीं कर सकता। केजरीवाल के खिलाफ तो केवल एलिगेशन है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा कानून हुआ? ये सरासर मैं समझता हूं कि इतना अन्याय है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे वो हेमंत सोरेन हो, झूठे आरोपों के साथ। अब जैसे ही कोर्ट की डेट आती है ये कहती है कि अभी हवाला में कोई व्हाट्सएप मिला, एक दिन पहले वो लीक कर देते हैं। ये भारत हमें नहीं चाहिए, ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए। आई होप यू हैव नाउ अप्रिशिएटेड द आंसर दैट आई हैव गिवन यू। द कोर्ट शुड ऑल्सो थिंक अबाउट दिस। हाँ जी, I don't follow the Ram Rahim story. मैं तो I just have Ram in my heart. मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एबीसी रिजर्वेशन गुजरात में किसकी हुई है? मुस्लिम की हुई है ना, उनसे जरा पूछ लेना किसी दिन। खुद ही भगवान ने, भगवान की करा रहे। उन्होंने कहा कि भाई जद मेरी माता जी, मैं सोचा सी जद वो जिंदा सीगा मैं उन्होंने बेटा सी, तो उन्होंने ध्यान के बाद मैनू लग्या तो भगवान ने मैनू इत्थे भेजिया। तो भगवान ने ही तुहानू कहा कि तुसी मतलब के मुजरे दी ज्यादा गल करो। भगवान भी चाहता कि मुजरा इस तरह का होना चाहिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स का मुजरा। ये देखिए, जब बंदा सोचे ना कि मैं सब तो वड्डा, मैं खुद भगवान हाँ, तो फिर इस किस्म दी गल्लां होंदियां। जिस बंदे को विवेक नहीं, हो विवेकानंद कित क्यों जा रहा रॉक मेमोरियल पे? बट ही इज ऑलरेडी द स्टेट। वो बढ़ क्या रहा है? वो है, वो तो वास्तविकता है। जो बनाया करते हैं हम, जो बनाए कर देते हैं। किसी को अंदर करना नहीं करना, मन मर्जी पीएमएलए लगा देना, ये करना, बट सब डरे हुए हैं ना। क्वेश्चन इज के भाई इंडस्ट्री बेचारी क्या करे? इंडस्ट्री मीडिया को कौन, ओनरशिप मीडिया इंडस्ट्री की है। इंडस्ट्री के अपने हर रोजों के रोज काम होते हैं, एडवर्टाइजमेंट सरकार से मिलती है, इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा ये सब तब दे हैव बिकम द रिचेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। तो करे क्या कोई? ये सिवन साहब, ये फाइव नंबर की इकोनॉमी इंडिया की हो गई है, इसके बारे में आप, मैं आपसे उदाहरण देता हूं आपको। ये जो 5-3-2 इसका मैं जरा आपको थोड़ी सरल तरीके से समझा देता हूं। तो आपके परिवार के अगर दो बच्चे हैं और आप मियां बीवी हो और दो बच्चे कमाते हैं तो आमदनी होगी ना। तो आपका जो टोटल कैपिटल है वो सबको पता होगा। आपके बच्चे अगर 6 बच्चे और पैदा कर दें, उनकी अपनी बीवियां हो जाए, उनकी भी नौकरियां लग जाएगी तो बढ़ जाएगी। तो जिस देश में संख्या बढ़ती जाएगी वो इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। इसमें कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये तो सिंपल अरिथमेटिक की बात है। जहां आमदनी बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। आपके एक वन मतलब के
एक एक 140 मिलियन पीपल नहीं होते, सॉरी 140 करोड़ नहीं होते, तो आपकी इकोनॉमी नहीं होती इतनी, बढ़ती नहीं जैसे जैसे यूके की इकोनॉमी है, जहां संख्या कम होगी वहां तो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी ना। हाँ अरे भाई कोई काम तो करेगा ना, कोई 50 रुपया कमा पकौड़े बनाता है बेचता है वो, तो पैसे तो आएंगे ना भाई, करेगा, यू आर राइट। इन अदर वर्ड्स इफ समबडी इज नॉट एम्प्लॉयड ही विल बी सेड ही विल डू समथिंग और द अदर, ही मे नॉट, ही मे गेट गो टू मनरेगा एंड अर्न, दैट विल ऑल्सो एड टू द इकोनॉमी। सो आई डिडंट से दे आर अनएम्प्लॉयड, मेनी ऑफ देम डोंट गेट जॉब्स, बट दोज हु गेट जॉब्स स्टिल व्हेन द नंबर्स आर देयर द इकोनॉमी विल सर्टेनली ग्रो, बट इज नथिंग टू डू विद द ग्रोथ ऑफ द एट द मोमेंट। इफ द इकोनॉमी ऑफ ग्रो, यू नो हाउ मच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बोरोइंग, आपको याद होगा कि दो दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गेव देम 2.1 लाख करोड़। व्हाट डज दैट मीन? दे डोंट हैव द मनी फॉर ऑल दीज स्कीम्स। व्हाई आर दे डूइंग दिस? इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, व्हाई फूड सिक्योरिटी? व्हाई आर दे फूड सिक्योरिटी इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग? देन एवरीबॉडी इज सेल्फ सफिशिएंट। व्हाई ऑल दीज सब्सिडीज वेयर इकोनॉमी इज ग्रोइंग? लेट्स बी क्लियर, लेट्स नॉट बी कैरिड अवे बाय एनी एजेंडास। We are here as citizens of the country. We must work for my country, all of us. I don't care which party you vote for. That's not the issue. Issue is vote for a party who thinks about India, not thinks about himself and his party. There's no space for anything in this country anymore. देखिए ऐसा है कि the other thing I want to say is, मैं अगर कहूं कि कुछ भी नहीं हुआ, ये भी गलत है। एक गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूम। अगर मेरी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी तो वो आज भी काम कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई काम नहीं होता। लेकिन जिस वादों के साथ आप सत्ता में आए थे वो विफल हो गए, और आज उनकी आप बात नहीं करते क्योंकि आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स जिहाद वोट दिस इन चीजों की बात करते हो, तो ये बात है। अरे गल सुनो, बंदे ना साढ़े छाती तय कर लेंगे ना कि वोट करना है। किसी हाँ वो तो बड़ी है। हाँ Now, I tell you that this is globally true. What you are saying is globally true. In other words, what has happened is when you liberalize the economy, the rich became richer. That's true in America. That's true here also. You are right. You are right. So the trickle down. That's why it is our policy. The Mandega was our policy, where we realized that it's not trickling down. He first criticized Mandega in Parliament. You remember what he said about Mandega, right? Then he realized that no, he will not be able to survive. So he took forward Mandega, but now he is not given the allocations on Mandega because he doesn't have the money. So we tried to do. Therefore, we had to subsidize. There was no choice. Therefore, we are now saying 1,000 rupees. In the Congress manifesto, they are saying all this, because ultimately this system of liberalization, making the rich rich, does not work without the economy being catering to the needs of the community. And I tell you the two basic things this desh mein hame kya chahiye, wo hai shiksha aur swasth. Aur shiksha aur swasth mein jo investment honi chahiye thi nahi hui. Aapko yaad hoga, I was the one who brought in the right to education act. Kis liye baya tha? कि अगर आप एजुकेशन दो के अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं हमारे बच्चे, तो निश्चित रूप से वो बड़े होके वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा। बट दी इकोनॉमी ऑल्सो